Chill. मैं हूँ अनहोनी. ओम पैसा. एपिसोड 2 में आपने ये देखा कि सॉर्ड ने अपने दो अंडरकवर ऑफिसर जिमी वू और डार्क से लुइस को वांडा को ढूंढने के लिए लगा दिया है, और दूसरी तरफ वांडा के बच्चे यानी कि विकेन और स्पीड अपनी पावर्स का इस्तेमाल करना भी सीख चुके हैं. और अब आगे वांडा इस समय बिल्कुल अनजान है और वो खुशी खुशी स्पीड और विकेन की देखभाल कर रही है, और वो ये सब अपनी उसी डायमेंशन में कर रही होती है जो कि उसने खुद बनाई है. मैंने आपको पिछले ही एपिसोड्स में ये सब बता दिया था कि ये सब रियल नहीं है, ये सब वांडा ने खुद बनाया. और वांडा की बनाई हुई इस रियलिटी में टाइम बहुत तेजी से आगे बढ़ता है और विकेन और स्पीड बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं. यही नहीं, अभी और सुनिए. आगे के कुछ सीन्स में हमें वांडा काफी ज्यादा खुश दिखाई जाती है क्योंकि उसे वो सब कुछ मिल गया था जो कि उसे चाहिए था. यहाँ पे वांडा इस बात से अनजान होती है कि किसी भी रियलिटी में टाइम इतनी जल्दी नहीं बढ़ता है. इस रियलिटी को वो खुद कंट्रोल नहीं कर रही थी, बल्कि इस रियलिटी को कंट्रोल कर रही थी हमारी अगाथा हार्कनेस. बट वांडा को ये बात नहीं पता होती है, और क्योंकि इस रियलिटी में टाइम बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है, तो अब विकेन और स्पीड एक टीनेजर बन चुके होते हैं. इसी के आगे हमें खुशी के दो पल दिखाए जाते हैं जहाँ पे सबके चेहरे पर मुस्कान होती है, और यही सब करते करते आ जाती है हमारी हेलोइन पार्टी. वांडा की फैमिली हेलोइन की तैयारी कर रही होती है, और यहीं पे वांडा हमें दिखाई जाती है अपने कॉमिक बुक कॉस्ट्यूम वर्जन में, और ये चीज आपको देखने को मिली होगी डिज्नी प्लस के टीवी स्पॉट में भी. एंड आगे सीन शिफ्ट होता है और हमें ये दिखाया जाता है कि विजन को किसी डीमन ने पोसेस कर लिया है, और ये डीमन कोई और नहीं बल्कि होता है हमारा नाइटमेयर. तो फिलहाल भाई विजन पर हमारे नाइटमेयर का कंट्रोल है, वो कुछ बताता है, पर रात होते होते वो वांडा को सब कुछ बता देता है. वांडा और विजन ये तय करते हैं कि वो दोनों लोग नाइटमेयर से लड़ेंगे, और फिर यहाँ पे इतना सब कुछ हो चुका होता है, पर फिर भी वांडा को ये नहीं पता चलता है कि इन सभी चीज के पीछे हमारी अगाथा हार्कनेस का ही हाथ है. एंड फिर से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाए जाते हैं सॉर्ड के दो अंडरकवर ऑफिसर जो कि हैं जिमी वू और डार्क से लुइस. इन लोगों का जिक्र मैंने एपिसोड 2 में किया था. इन लोगों को ये पता चल जाता है कि नाइटमेयर अगाथा हार्कनेस को कंट्रोल कर रहा है, और अगाथा हार्कनेस वांडा की लाइफ को रुइन करना चाहती है, और वो वांडा की मदद से मल्टीवर्स के सदा से बंद दरवाजों को खोलना भी चाहती है. नेक्स्ट ही सीन में जिमी वू, डार्क से लुइस और मोनिका रैम्बो भी किसी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं वांडा की बनाई हुई रियलिटी में, और जाकर सारा का सारा सच बता देते हैं. वो ये बता देते हैं वांडा को कि ये सब एक इल्यूजन है, ये सब एक फेक चीजें हैं, यहाँ कुछ भी रियल नहीं है, और तुम्हें अगाथा हार्कनेस कंट्रोल कर रही है. वांडा को ये सब सुनकर काफी अजीब लगता है, और वो अपनी सारी पावर्स को यूज करके अपनी फुल एबिलिटी में एक ब्लास्ट कर देती है, और तब अपियर होती है एक ब्लैकआउट स्क्रीन. तो यहाँ आप ये देख सकते हो कि अगाथा हार्कनेस वांडा के दिमाग को कंट्रोल कर रही है, बट वांडा इस बात को एक्सपेक्ट नहीं कर रही है. बट अगाथा हार्कनेस ये खुद से नहीं कर रही है, उसको ये सब करा रहा है नाइटमेयर, और नाइटमेयर भी हमारे अगाथा हार्कनेस को कंट्रोल कर रहा है. और जब उसे सारी सच्चाई पता चल जाती है, उसे ये सब पता चल जाता है, तो वो अपनी फुल एबिलिटी सारी पावर को यूज़ करके एक ब्लास्ट कर देती है, और उसकी ये रियलिटी ख़त्म हो जाती है. और फिलहाल अब ये रियलिटी जो कि वांडा ने खुद बनाई थी और हमारी अर्थ 616 की मेन रियलिटी, दोनों के पोर्टल आपस में कंबाइन हो जाते हैं. और क्योंकि यहाँ पर जादू का प्रयोग काफी उत्तम लेवल पे किया गया है, तो डॉक्टर स्ट्रेंज को इसके बारे में पता तो चल ही गया है. और अब एपिसोड 4 में प्रवेश करेंगे हमारे डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज. एपिसोड 3 भी यार काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था, एपिसोड 4 इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है. अगर अभी तक आपने एपिसोड 2 या फिर एपिसोड 1 नहीं देखा है, तो आप आई बटन पर क्लिक करके वो दोनों ही एपिसोड देख सकते हैं. वहाँ पे वो दोनों अपियर हो रहे होंगे, या फिर आप मेरे चैनल पर जाएंगे तो भी आपको वो दोनों एपिसोड मिल जाएंगे. एंड एपिसोड 4 भी बिल्कुल रेडी है, बस आप इस वीडियो में थोड़ा अच्छा रिस्पांस दिखाइएगा तो मैं एपिसोड 4 भी जल्द ही पब्लिश कर दूंगा. और इस वीडियो को लाइक शेयर और कॉमेंट तो कर ही दीजिएगा, साथ में अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब तो कर ही देना. मैं मिलता हूँ आपसे इसके एपिसोड 4 में या फिर बीच में ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय.